नगरी के टाइटस हाई स्कूल व आवासीय परिसर को प्रशासन व पुलिस के साथ पहुंची नगर निगम की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही परिसर में रहने वाले लोगों को 2 माह के भीतर खाली करने का नोटिस दिया गया। इस दौरान परिसर में रहने वाले ईसाई समुदाय के पुरुष व महिलाओं ने इस कार्यवाही का विरोध किया है, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। योगी सरकार का चला चाबुक, प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, लगभग 500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन ली गई कब्जे में। कार्यवाही के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों का हंगामा, करोड़ों रुपए की जमीन की पट्टा अवधि खत्म होने पर जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। नगर निगम टीम ने मिशनरी के टाइटस हाई स्कूल एवं आवासीय परिसर को कब्जे में लेकर की है बड़ी कार्यवाही। कार्यवाही के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम का किया जबरदस्त विरोध। 1940 में करोड़ों रुपए की इस जमीन का दिया गया था पट्टा, खत्म होने पर चला है प्रशासन का चाबुक। नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने सिविल लाइन स्थित की मदद से, नगर आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों ने सिविल लाइन पुलिस की मदद से की है बड़ी कार्यवाही। लीज की मिली जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल करने का भी मिशनरी पर है आरोप। प्रशासन ने पूरे परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों को किया है आगाह। 2 महीने के अंदर आवासीय परिसर भी खाली करने के दिए गए हैं आदेश। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के पॉश इलाके में की गई है बड़ी कार्यवाही। मेरा नाम विशाल रॉय है जी, और मैं यही मुरादाबाद से हूँ, मसीह समाज से हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, जहाँ पर इन्होंने कथित तरीके से बोर्ड लगा दिया है और यहाँ से पूरा स्कूल का नाम हटा दिया है, ये गलत तरीके से हटाया है और ये इलीगल नोटिस है, ये एक फेक नोटिस भेजा है प्रशासन ने और हम इसकी अवहेलना करते हैं। हम किसी के साथ किसी के विरुद्ध कुछ वो नहीं कर रहे। किस जगह लगाया है नोटिस, कौन सी जगह, पूरी बात बताइए। यहाँ पर गेट पर लगाया है, ग्राम छावनी के टाइटस स्कूल के बाहर। ठीक है, और ये बोर्ड गलत तरीके से हटाया जा रहा है, ये फेक ऑर्डर है, जबकि कोई ऐसा नोटिस नहीं है। अगर 2 महीने का नोटिस आया है तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, जो प्रशासन का प्रोटोकॉल है वी विल फॉलो, हम फॉलो करेंगे। पर अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे कॉलेजेस, हमारे कॉलेज बंद रहेंगे, सारे मेडिकल स्टाफ सब बंद कर देंगे हम। अनिश्चितकालीन कार्य की बाधित कर देंगे हम लोग, हम नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा हमारा। कब से परिवार, कितने परिवार रहते हैं अंदर? ये सब कल एक कार्रवाई की गई है टाइम टोर्स पर, क्या है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ये संपत्ति है वो नजुल की संपत्ति है और नजुल की संपत्ति गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत उनको दिया गया था। और जब गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत जब कोई भूमि देते हैं तो उसमें कुछ उसमें नियम होते हैं, कुछ उसमें कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना अनिवार्य था, जिसका वहां पे लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। और उसी के परिपेक्ष में, क्योंकि यह एक शहर के बीचों बीच जमीन है, एक पब्लिक पर्पज़ के लिए बहुत ही उपयोगी जमीन है जिसको अन्य बेहतर उपयोग में लाया जा सकता था, इसलिए इस भूमि को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है और इसका जन उपयोगी कार्यों के लिए पृथक से इसका उपयोग किया जाएगा। कितनी कीमत की लगभग हुई, क्या जो मार्केट वैल्यू देती है? देखिए, बहुत अब इस तरीके से मैं इसका आकलन नहीं कर सकता, लेकिन लोग अलग अलग इसका आकलन कर रहे हैं। इसका कुछ लोग 200 करोड़, तो कुछ लोग 500 करोड़, इस तरीके की इसकी कीमत आंक रहे हैं। एग्जैक्ट सर्कल रेट के हिसाब से क्या है, क्योंकि शहर के बीचों बीच की जमीन है तो मार्केट वैल्यू का आकलन बहुत सही से करना इसका संभव नहीं है। सिविल लाइन्स की जमीन है तो 200 से 500 करोड़ के बीच की जमीन है।